Hey guys, welcome to the Happy Apron. मेरा नाम है हर्षा और ये मेरा इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो है और आई विल बी शेयरिंग सम क्विक एंड इजी रेसिपीज जो कि आपकी कुकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पास्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 100 ग्राम पास्ता, एक बड़ी कटी हुई प्याज, एक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़े से बेबी कॉर्न्स और आधी कटोरी उबले हुए स्वीट कॉर्न्स। फ्राई करने के लिए तेल, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा बटर, नमक स्वाद अनुसार, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, 300 ml तक दूध, बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ी सी काली मिर्च, एक बड़ी चम्मच मेयोनीज। पास्ता को बॉईल करने के लिए हमें एक बर्तन में लेना है 1 लीटर पानी, उसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच नमक। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद पानी में एक बॉयल आने पर ही हमें पास्ता डालना है। मैंने सारा पास्ता यहाँ डाल दिया है। पास्ता को हमें 7 से 8 मिनट तक पकाना है और 7 से 8 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए फोक से कि अच्छे से पक गया है या नहीं। हमें इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है, सिर्फ 80% ही पकाना है। गैस का फ्लेम कर दीजिए बंद और स्टेनर की हेल्प से आप इसे निकाल के ठंडे पानी से धो लीजिए। अब सब्जियां सॉटे करने के लिए हम एक पैन को गर्म करेंगे। पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन। लहसुन को हम 1 मिनट तक पका लेंगे। ध्यान रखिए कि हमें लहसुन को ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ा सा कलर चेंज होते ही हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से चलाने के बाद हम उसमें बाकी बची हुई सारी सब्जियां डाल देंगे, बेबी कॉर्न्स, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न। सारी सब्जियां डल जाने के बाद हम उसे अच्छे से चला लेंगे। आप इसमें से कोई भी सब्जी स्किप कर सकते हैं। सब्जियां पक जाने पर हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और सेम पैन को गर्म करके हम उसमें बटर डालेंगे। यहाँ मैंने बटर 1.5 चम्मच लिया है। बटर को मेल्ट होने के बाद हम इसमें 1.5 चम्मच मैदा डाल देंगे। ध्यान रहे कि जितना हमने बटर लिया है उतनी ही हमें मैदा यूज़ करनी है। मैदा को हम 1 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। मैदा को पकाते टाइम इसे हमें चलाते जाना है ताकि मैदा लम्स फ्री रहे। यह हमारी मैदा पक गई है, अब हम इसमें दूध डालेंगे। ध्यान रहे कि दूध डालने से पहले हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब एक विस्कर की हेल्प से आप दूध को अच्छे से चलाएं। जब हमारी सॉस बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए तब आप गैस ऑन कीजिए। गैस ऑन करने के बाद हमें बाकी बचा हुआ सारा दूध डाल देना है और उसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से थिक होने तक पका लेना है। सॉस के थिक हो जाने पर हम उसमें 1 चम्मच मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सॉस की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। थिक हो जाने पर हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच ओरिगैनो डालेंगे। पास्ता की सीजनिंग करने के बाद आप सॉस को अच्छे से चला लीजिए और जो सब्जियां हमने फ्राई करके रखी थी वो आप सॉस में डाल दीजिए और अच्छे से चला लीजिए। फिर हम उसमें उबला हुआ पास्ता डाल देंगे।
पास्ता डालने के बाद आप इसे अच्छे से चला लीजिए और लो फ्लेम पे अच्छे से पका लीजिए। सॉस की अच्छे से कोटिंग हो जाने के बाद आप इसे प्लेट में निकाल लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए।